जो तस्वीरें आपने देखी कई राज्यों में हो रही है, ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को कि पंजाब में भी ना हो जाए। इसलिए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिए कि यहाँ पर भी हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। नीतू, बिल्कुल। तो इससे पहले आम आदमी पार्टी जो थी वो दिल्ली में ये आरोप लगा रही थी कि उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन उसके विधायक नहीं खरीद पाई है बीजेपी। और ठीक, अब यही आरोप जो है पंजाब में भी लगाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, इसके साथ ही साथ बड़ी बातें क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है वो भी बताएंगे। लेकिन बीजेपी का ये स्टिंग ऑपरेशन अब आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मुसीबत खड़ी करती हुई दिखाई देगी। पंजाब में विधायकों की खरीद फरोख्त पर FIR दर्ज हो गई है। जी हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और वहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है। आपने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि 25-25 करोड़ रुपए में एक एक विधायक से संपर्क करके उन्हें खरीदने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में देखिए बड़ी बात और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं संबोधित, तो इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बातें रख सकते हैं। सीएम भगवंत मान ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाने के साथ ही साथ ये भी कहा है कि पहले दिल्ली में खरीदने की कोशिश की गई, अब पंजाब में खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली तलब किया, दिल्ली बुलाया, उनसे बातचीत करेंगे और इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे। 25-25 करोड़ रुपए में विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कही जा रही है। दरअसल दिल्ली में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। दिल्ली में भी ये कहा गया था कि उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है। पहले कहा गया 5 करोड़ में, फिर कहा गया 20 करोड़ में, फिर कहा गया 25 करोड़ में। सरकार गिराने की साजिश दिल्ली में रची गई और इसी तरह के आरोप अब सामने आ रहे हैं पंजाब को लेकर के, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो क्या बीजेपी दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी एक्टिव है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र कुमार जुड़े हुए हैं, पंजाब से बातचीत करेंगे पंजाब की सियासत पर। सत्येंद्र, यह बताइए कि इस आरोप का कुछ आधार है क्या? FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन कितने विधायकों से संपर्क किया गया, कौन सा वो व्यक्ति था जिसने संपर्क किया, किस व्यक्ति ने 25 करोड़ का ऑफर दिया, इन सवालों का जवाब दिल्ली में भी अभी तक नहीं मिला है। क्या इन सवालों का जवाब इस FIR में दर्ज है? मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसमें दिनेश चड्डा, रमन अरोड़ा, खुदराम, कुलवंत पंडोरी, नरेंद्र कौर पराग, रजनीश दहिया, रुपिंदर एपी, शीतल अग्रवाल के सहित कुल 11 MLA बताए जा रहे हैं कि जिनको ये कॉल्स आए हैं। और कॉल से बताया जा रहा है कि उसमें कोई बाबूजी का नाम लिया जा रहा है कि बाबूजी आपसे शाम को बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के सामने आती है, कल पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा उन 11 विधायकों को लेकर DGP साहब से मिले थे और उन्होंने कहा है कि हमने उनको रिकॉर्डिंग और जो भी एविडेंस है वो DGP साहब को हमने दे दिए। लेकिन जब मीडिया ने या लोगों ने उनसे सवाल किया कि भाई आपको जब बीजेपी की तरफ से कॉल्स आ रही है, धमकी आ रही है, तो आप इसको वायरल कीजिए, तो उन्होंने कहा समय आने पर इस चीज को भी वायरल करेंगे। लेकिन DGP साहब ने भी उसको AIG लेवल पर जांच उठा दी है और उसकी जांच विजिलेंस को सौंप दी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर FIR भी की गई है और उन्होंने कहा है कि DGP की तरफ से मुझे कॉल आ रही है, तो FIR एक अज्ञात व्यक्ति के नाम पे किए गए, अज्ञात लोगों की कॉल आ रही है। बिल्कुल सेम इसी तरह से दिल्ली में भी सब कुछ हुआ था, FIR दर्ज की गई थी और नाम भी बताए गए थे कि किसे खरीदने की कोशिश की जा रही थी। इन तमाम विधायकों का नाम जो FIR में है कि इनको खरीदने की कोशिश की गई, क्या इनका कांटेक्ट आम आदमी पार्टी से अभी है या नहीं, क्योंकि दिल्ली में भी बिल्कुल कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि ये कांटेक्ट में नहीं थे दिल्ली के विधायक आम आदमी पार्टी के, तो यहाँ पर क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक पार्टी से कांटेक्ट में है या नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वो भी संबोधित कर सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिन 11 विधायकों के नाम लिए गए वो अभी मौजूदा पार्टी पे हैं और मौजूदा विधायक हैं और वो अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हरपाल चीमा जो वित्त मंत्री है वो लेके उनको DGP से मिले थे और उसी को लेके पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान उस समय जर्मनी दौरे पे। लेकिन 18 तारीख को केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है और 18 तारीख को ही पंजाब। बिल्कुल सत्येंद्र, नजर बनाए रखिए कि आखिर इस खबर पर क्या अपडेट आती है और कितनी सियासत होगी इस पर, यह भी वक्त बताएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।